हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। टीवा बीकॉम सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अप्रैल 2019 मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने है और इसका सॉल्यूशन भी आप लोग के सामने है। तो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में आप लोग फटाफट लिख लीजिए इसका आंसर। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1B। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1A किया और ये बी का सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्लीज़ स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बिकॉज कि इससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A में जो कि मार्वल लिमिटेड यहाँ पे दिया गया है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस तरीके से है, फॉरेन करेंसी। और इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2A का इधर है, इन द बुक्स ऑफ मार्वल लिमिटेड। आपको क्वेश्चन में जनरल एंट्री बोला था इसलिए हम लोगों ने जनरल एंट्री निकाला है। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2B करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B ऑप्शन में आया है फॉरेन करेंसी के, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ MNC लिमिटेड। आई होप कि आप लोगों ने ले लिया रहेगा स्क्रीनशॉट। प्लीज़ टेक दी स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप अपनी नोटबुक में प्रॉपरली कर पाएंगे। पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि हमने किया और जिसका आंसर यहाँ पे, ठीक है, देन सुरेश लिमिटेड था और तो अभी सुरेश लिमिटेड का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो कि सुरेश लिमिटेड आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसके ऑप्शन वाला 15 मार्क्स का, तो ये 15 मार्क्स का इधर आपका जनरल एंट्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। जनरल एंट्री के बाद आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जो कि इन द बुक्स ऑफ सुरेश लिमिटेड, तो यहाँ पे हमने बनाया फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अगर आप लोग को फॉरेन करेंसी रिलेटेड डाउट है तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने वीडियोस जो अपलोड किए हैं, एक बार वीडियो को एंड तक देख लेना तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फॉरेन करेंसी से रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है वीडियो जो कि अभी जस्ट अपलोड किया गया है, वो वीडियो में आपको ऑल टीवाई बीकॉम से रिलेटेड कॉस्टिंग के चैप्टर कहाँ पे हैं, कॉस्टिंग के वीडियोस कहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये है क्वेश्चन और जो कि आपका अमलगमेशन चैप्टर से पूछा गया है और उसका आंसर कुछ इस तरीके से। आपको पहले PC निकालनी है, तो इस तरीके से PC निकालना है, देन अकाउंट बनाना है अनिल लिमिटेड का। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये है आप लोग के सामने अकाउंट, देन नेक्स्ट है आपका जो कि नोट टू अकाउंट होता है, नोट टू अकाउंट, एंड ये है कैलकुलेशन ऑफ PC गुड, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल जो कि वर्किंग कैपिटल है। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3A, ये जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3A, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे A में आपको PC बोला था निकालने के लिए, तो ये PC आप निकाल रहे हैं। आई होप कि आपने आंसर का ले लिया रहेगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B में आपको कैलकुलेट PC बोला है, जनरल एंट्री बोला है संदीप लिमिटेड, ठीक है, तो इसका भी आंसर कुछ इस तरीके का है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं जो कि मैक्स लिमिटेड है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है और ये देख रहे होंगे मैक्स लिमिटेड, ये नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर का ये बनाया, देन इसके बाद ये जनरल एंट्री हो गई, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है।
देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि ये 15 मार्क्स का अगेन है, और इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती जाऊंगी, लेकिन आप लोग भी अपने से ट्राई करिए, इसलिए मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये है क्वेश्चन 5, ठीक है। और इस क्वेश्चन 5 में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ LLP, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट बनाना है। अब इसका आंसर इस तरीके से है। पहले तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 था, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ये सब सारी चीज़ें बनानी है। तो ये क्वेश्चन 4 का ABC लिमिटेड, पहले तो PC बना दिया। PC होने के बाद नेक्स्ट है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जा रहा है, देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, और अब है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट होने के बाद जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी आपके सामने, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री एंड कैश अकाउंट हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। अब क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 आर एंड के इक्वल पार्टनर है। यहाँ पे आपको डिजिटल यूसर एक्सपेंसेस दिया है, आपको PC बनाने को बोला है, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ओपन करना है आर और के का, और इन द LLP बुक अकाउंट भी करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके का है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर का पेपर है। इससे आपको एनालाइज होगा कि किस तरीके से करना है। तो पहले आपको PC बनानी है, तो आर एंड के कैलकुलेशन ऑफ परचेस कॉन्सिडरेशन, जहाँ पे कि पर्टिकुलर रुपीज रुपीज करना है, देन ऐसे टेकन ओवर जो भी चीज़ें है वो लेना है, देन ये PC को कंप्लीट करिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में इस तरीके से अकाउंट बनाना है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इस तरीके से बनाना है, देन LLP अकाउंट बना देना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन 5A। क्वेश्चन 5A जो कि 8 मार्क्स का है, यहाँ पे आपको लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है कैलाश लिमिटेड का। और कैलाश लिमिटेड का तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5B। क्वेश्चन 5B जो है कृष्णा लिमिटेड है, और इसका आंसर जो है, इसका आंसर कृष्णा लिमिटेड का इस तरीके से नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, यह है क्वेश्चन बी, ठीक है। क्वेश्चन 5 का बी आंसर। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। गाइस, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 6A है। क्वेश्चन 6A में आपको बोला गया है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर, जो कि 10 मार्क्स का है। इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने है। लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, ये आपका आंसर है। तो जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है और जिनको आंसर नहीं मिल रहा, वो लोग यहाँ पे ले सकते हैं आंसर। यहाँ पे ऑल विथ सॉल्यूशन वाला भी सम सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके का ये आंसर है। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। ये लाइबिलिटी अंडर राइटर का चार्ट है, इसको भी आपको लिखना होगा। ये फॉर्मेट है, इसी के थ्रू करना है आपको, ये फॉर्मेट आपको दिया है, ठीक है। और आई नो कि जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन भी तो आपको इसी से आएंगे ना, इसलिए फॉर्मेट तो आपको लर्न ही होना चाहिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आंसर है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडर राइटर। और इस तरीके से ये आपके आंसर्स हैं। इनमें से देखिए, आप
10 मार्क्स है, इसलिए आपको बढ़ा चढ़ा के तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए ये आपके सामने है। यहाँ पे ए टू जेड मैंने प्रोवाइड कर दिया ताकि जो बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है वो इधर से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको हमारे वीडियो से बहुत हेल्प हो रही होगी। ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो पहले ही ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, और आप लोग को सजेस्ट ये करूँगी कि फॉरेन करेंसी के ऑप्शन में आता है, तो इसलिए आप प्लीज़ फॉरेन करेंसी कर लीजिए, बहुत ईजी है, मैंने वीडियो में प्रोवाइड किया गया है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक बार चेक जरूर कर लीजिए, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और रिसेंटली मैंने अभी जो वीडियो अपलोड किया है, चाहिए तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ पे मैंने शो भी किया है कि प्लेलिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड बाकी की चीज़ें जो एज़ पर आपके रिक्वायरमेंट मैं आपको अपलोड करती रहूँगी। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, और लास्ट मोमेंट में कुछ समझ में भी नहीं आता क्या पढ़ें क्या नहीं, बिकॉज़ कि पूरा साल कुछ पढ़ा नहीं रहता, इसलिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है ताकि आपको हेल्प हो सके। आप अपनी फुल एजुकेशन सपोर्ट फैमिली में ज़रूर ज्वाइंट होइएगा। और अभी आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग बिटवीन पोलिंग इन इंटरेस्ट मेथड एंड परचेस मेथड ऑफ अमलगमेशन, क्वेश्चन नंबर 6B, और इसका आंसर है कुछ इस तरीके से। देखिए, जो मर्जर मेथड होता है उसी को हम पोलिंग मेथड भी कहते हैं, तो ये है परचेस मेथड एंड मर्जर मेथड। तो इस तरीके का आपका आंसर है, और ये डिस्टिंग बिटवीन्स आप लोग के सामने है, ठीक है, और ये भी 10 मार्क्स आपको दिला सकता है। तो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, इसलिए आपको सॉल्व कर लेना चाहिए क्वेश्चन को, ये बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो तो लिक्विडेटर से रिलेटेड था, शॉर्ट नोट्स। तो पहला शॉर्ट नोट है हमारा लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट, तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट कंपलसरी है लेना, ओके। उससे आपको, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप कर सकते हो और बुक पढ़ भी सकते हो। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, जो कि शॉर्ट नोट का बी वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है आप लोग के सामने। ये लिमिटेड लाइबिलिटी एंड एग्रीमेंट शेड्यूल 1 ये है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कि है मॉनेटरी आइटम्स, क्वेश्चन 6 का सी, उसका आंसर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम प्रोवाइड किया गया है, आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आशा करती हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तो ये था आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कंडीशनल एंड फर्म अंडरराइटिंग, जिसका आंसर कुछ इस टाइप का है। ये आंसर आप टाइप ऑफ अंडरराइटिंग में भी कर सकते हैं, देखिए आएगा वही, बस आपको थोड़ा बहुत चेंज करके आ सकता है, लेकिन आएगा तो वही। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेट पेमेंट मेथड ऑफ परचेस कंसिडरेशन, जो कि क्वेश्चन 6 का ए है, और उसका आंसर कुछ इस तरीके से। पहले तो नेट पेमेंट मेथड के बारे में लिखा है, देन उसके बाद परचेस कंसिडरेशन का आपको यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ पेमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी, इसका आंसर है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिया गया है, एब्जॉर्प्शंस, एब्जॉर्प्शन के बारे में दिया है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एब्जॉर्प्शन के कौन कौन से हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये है आपका आंसर, जहाँ पे कि मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, इसका अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, और इनको तो लिख ही लीजिए बिकॉज रिपीट जरूर होंगे पेपर में, ठीक है। और ये 2019 अप्रैल का पेपर है मुंबई यूनिवर्सिटी का, वही चीज़ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो TY BCom सेमेस्टर 6 स्टूडेंट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये रहा आप लोग के सामने। और अगर आप लोग की डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की डिमांड है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। और अपनी नोटबुक में ज़रूर सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि जितने भी नीडेड स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।